सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनली हमारे पास लूम कंपनी का 575 वाट एन टाइप टॉपकॉन 28 सोलर पैनल लगने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा सोलर सिस्टम 16 किलो वाट का कहाँ पर लगने के लिए जा रहा है वो हम आपको पहले बता देते हैं। दोस्तों ये हमारा जो सोलर सिस्टम लगने के लिए जा रहा है ये हमारा जिला अमरोहा के पास में पड़ता है, धनोरा, और धनोरा के पास में पड़ता है मोहनपुर उसका गांव है, उनका गांव है, और जिनका सोलर सिस्टम हम लगाने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जीआई का स्ट्रक्चर है और लूम कंपनी का 28 सोलर पैनल है। उनका नाम है मदन सिंह, उनका सोलर सिस्टम लगने के लिए जा रहा है। दोस्तों उससे पहले जो हमने सोलर सिस्टम लगाया था तो उन्हीं के रिलेशन में उनके रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार का हमने सोलर पैनल का सोलर सिस्टम लगाया था। तो जब सोलर पैनल का सोलर सिस्टम अच्छा काम करा, बढ़िया काम करा, तो उन्हीं के जो रिश्तेदार थे, जो आज उनका सेटअप जा रहा था, उनका महीने का लगभग 30-32 हज़ार रुपये का बिजली का बिल जाता था। जब उनको बेनिफिट लगा तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से बोला कि भैया आप सोलर लगाओ, आप 30-32 हज़ार रुपये महीने का बिल मत दो, मैंने सोलर पैनल का लगाया तो मुझे बेनिफिट हुआ। इसलिए जब उनका अच्छा काम करा तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को बोला और उन्होंने भी मेरा सोलर सिस्टम पहले विजिट करने के लिए गए, देखने के लिए गए, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तभी उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया। अब जैसे यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जो पैनल है वो दोस्तों लूम कंपनी के 575 वाट एन टाइप टॉपकॉन हाई एफिशिएंसी वाले सोलर मॉड्यूल है और ये मॉडल जो है वो शार्क है। और यहाँ पे दोस्तों 28 सोलर पैनल, जीआई का स्ट्रक्चर है और हमारा 20 HP का BFD ड्राइव रहेगा। दोस्तों सोलर पैनल लगाने का बेनिफिट जो है वो ये है कि आपने अगर एक बार सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन करवा दिया आटा चक्की के लिए तो 20-25 साल के लिए फ्री हो गए। आप अगर लाइट से चला रहे हो या फिर डीजल इंजन से चला रहे हो तो उसमें काफ़ी खर्चा है, खर्चे के साथ मेंटेनेंस भी है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, अगर आप लाइट की बात करते हो, जो बिजली होती है उसमें क्या होता है, अगर आपकी दिन में बिजली आ रही है और आप आटा चक्की पीस रहे हो, अगर आपकी बिजली जाती है तो आटा चक्की आपका नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपका अगर मान लो 10 किलो वाट का कनेक्शन है और आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, आपने 11 किलो वाट तक अगर उसको 1 या 2 किलो वाट अगर ओवरलोड चला दी तो सबसे पहले तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी, ओवरलोड का आपका डबल चार्ज आएगा। दूसरी बात, ओवरलोड चलाते समय अगर आपके ऊपर छापा लगता है तो वो इतना कॉस्टिंग बढ़ा देते हैं, यानी कि आपसे मतलब 2 या 3 गुना वो एक्स्ट्रा पैसे ले लेती हैं। दूसरी बात, बिल महीने का नहीं जमा करोगे तो अगला महीना फिर रेडी हो जाता है, यानी कि कुल मिला के बिजली से चलाने में प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं डीजल की बात करते हैं। दोस्तों डीजल में क्या, जितना डीजल डालोगे उतना ही इससे चला पाओगे और डीजल की भी कॉस्ट काफ़ी आती है, इंजन चलाना पड़ता है, इंजन भी आवाज़ करता है, फिर इंजन का मेंटेनेंस होता है। तो इसी को देखते हुए सोलर पैनल आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं और हर कोई व्यक्ति सोलर पैनल लगाने के लिए अपना सोलर सिस्टम लगा रहा है, आड़े चक्की के लिए सोलर सिस्टम लगा रहा है। हालांकि घर के लिए भी लगता है और अपने आड़े चक्की के लिए भी लगता है। अब आज सोलर पैनल आपने अगर एक बार लगा दिया तो उसमें ना तो मेंटेनेंस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 100% बेनिफिट ही बेनिफिट। आप नो कमाओ सो कमाओ वो आपका है, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आप बिजली का बिल दोगे या फिर डीजल वाले को दोगे। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं अगर आप भी आटा चक्की लगाना सोच रहे हो तो सोचो मत, जितना सोचोगे उतना आप पीछे रहोगे और जितना जल्दी इस चीज़ पर निर्भर रहोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि समय के साथ हर एक व्यक्ति को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप पिछली सोच रखोगे कि यार लाइट से चलाना है तो आप पीछे होते चले जाओगे, आप सोचोगे यार मुझे कुछ डेवलप करना है सोलर से चलाना तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि इसमें एक बार लगाओ और झंझट खत्म, टेंशन खत्म। अब यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखा दो, जो सोलर पैनल है वो एन टाइप टॉपकॉन मोनोपर खापकट बाइफिशियल सोलर पैनल है। यहाँ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये मैं फर्स्ट वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में इसका नेक्स्ट मतलब दूसरा वीडियो आएगा, दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अभी गाड़ी के अंदर लोडिंग है और ये देखो, और जो मॉड्यूल है ये 16 बस वायर का मॉड्यूल है, मोनोपर खापकट बाइफिशियल, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, भी गाड़ी के अंदर लोडिंग हो गया है और इसका दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। अभी गाड़ी के अंदर हमने पैनल को रेडी कर दिया, यानी कि भर दिया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता, सोलर सिस्टम लग रहा है अभी वो मेरे पास आई भी नहीं है और पेमेंट उनका फाइनल हो गया। जो विश्वास होता है वो इस तरह का होता है, देखो मेरा अच्छा चल रहा है तभी उनको विश्वास लगा कि भाई बढ़िया चल रहा है हमें देना चाहिए, मेरा सिस्टम नहीं चलता, जिनका मैंने सिस्टम लगाया था तो अपने रिश्तेदार से भी मना करते थे भाई तुम सिस्टम इनसे मत लगवाओ, मेरा अच्छा चल रहा है, तभी उन्होंने अपने रिश्तेदार से बोला कि आप भी नीचे लगवाओ, बढ़िया आदमी है और अच्छा काम हो रहा। और हम वीडियो में हर वीडियो में बताते भी हैं कि अच्छे काम की अलग ही तारीफ होती है, काम बोलता है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।